खबर अयोध्या से है, जहां अयोध्या राम की नगरी के राम घाट स्थित चंद्रदितेश्वर नाथ महादेव मंदिर बाबा कृष्ण कुमार दास आश्रम के प्रांगण में गुरु महाराज के शिष्यों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गुरु पर्व मनाया गया। हमारे संवाददाता सुबोध श्रीवास्तव ने महंत रविंद्र कुमार दास जी से खास बातचीत की। आइए देखते हैं अयोध्या से सुबोध श्रीवास्तव की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुबोध श्रीवास्तव और इस वक्त राम नगरी अयोध्या में हूँ। और यहाँ पर जिस तरह से अगर गुरुदेव की पर्व की बात करेंगे, महापर्व है ये, और ऐसे में ये पौराणिक परंपरा चली आ रही है, और ऐसे में जो नया युग भी प्रारंभ हो गया है, तो ऐसे में गुरु और शिष्य की जो है अभी भी वो परंपरा चली आ रही है और चलती चली आएगी। ऐसे में हमारे साथ रविदास जी हैं और इस मंदिर के संस्थापक महान सब कुछ है, तो आप बताइए किस तरह का आपने आपने दर्शन किया। जय श्री राम। सुबोध जी, आपके लिए और आपके चैनल के लिए ये बाबा कृष्ण मोहनदास आश्रम चंद्र द्वितीयेश्वर नाथ महादेव मंदिर अयोध्या जी से हम बोल रहे हैं, रविंद्र कुमार दास। गुरु परंपरा की पूजा हम लोग प्रत्येक वर्ष करते हैं, हम ही लोग नहीं, आदि अनादि काल से ये गुरु और शिष्य का परंपरा चला है। और शास्त्र में लिखा हुआ है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम देना चराचरम तत्पदम दर्शितम देना तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथितायार्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। ये हम लोग नहीं, आदि अनादि काल से गुरु और शिष्य का परंपरा चला है, लेकिन अभी हम लोगों के बीच में कुछ आधुनिकता आ गई है, इसलिए परंपरा तो गया नहीं है, लेकिन कुछ बदलाव हो गया। आधुनिकता की दौर में जो पौराणिक की बात करें, ऐसे में जो गुरु शिष्य का कार्य था और गुरु ने हमें अपने शिष्य को बढ़ावा देकर शिष्य को बनाया है, तो ऐसे में जो परंपरा है, नया युग आ गया, तो ऐसे में कोई बदलाव नहीं हुआ होगा? बदलाव तो आया ही है, अब सब लोग भरत जैसा शिष्य नहीं होंगे, एक गुरु एकलव्य जैसा शिष्य नहीं होगा, गुरु भी बदल गए हैं, शिष्य भी बदल गए, लेकिन ये परंपरा आदि अनादि काल से आ रहा है और चलेगा, चलता रहेगा। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी जी, ये परंपरा चलती रहेगी और चल रहा है। देखिए, आपके सामने अभी महाराज जी हैं और पीला वस्त्र किए हैं और काफी दिव्य पुरुष हो गए, और ऐसे में आपसे पूछना होगा कि ये गुरु और शिष्य जो परंपरा चली आ रही है, तो ऐसे में लगता है कुछ बदलाव हो गया होगा? सनातन धर्म की परंपरा जो नित्य निरंतर इत्यादि कालों से चलती आ रही, वो निर्वाहन तो होती रहेगी। आधुनिकता के विषय के आधुनिकता की दौड़ पर भले लोग बदल जाएं, परंतु जो पुराणों में जो परंपरा का लेखन हो गया है, जो गोस्वामी जी ने बता दिया, वंदहु गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। भले आधुनिकता में व्यक्ति कितना भी दौड़ता क्यों ना जाए, परंतु जब प्यास लगती हम कुएं के पास ही जाते हैं। इसी प्रकार जब तुम्हारा जीवन गुरु से भिन्न रहेगा, तुम्हें जब तड़प उठेगी, तब तुम किसी न किसी महापुरुष की शरणागति को ग्रहण कर लोगे और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। अभी देखिए, जिस तरह से हरियाणा से चलकर और ये पराजय है, सबसे पहले अगर आपके चैनल पर स्वागत है, तो आप भी आपका चैनल का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। हम यही अयोध्या में अपना शिक्षा ग्रहण किए हैं, हनुमान बाग जगदीदास जी महाराज हमारे गुरु जी, और हमारे गुरु भाई अयोध्या जी महाराज हैं, जो रामा सिंह कुछ के अभी अधिकारी हैं, भक्त जी हैं। नहीं, ऐसे में जैसे गुरु शिष्य की बात करें, जो आज गुरु पर्व है, तो ऐसे तो में आज, क्या है? आज हम गुरु परंपरा ही मनाने आए थे, सोनीपत में रहते हैं, वहाँ से गुरु जी कहीं पूजन करने आए थे। तो इसमें कि आज के लोग जो हैं, हम इसलिए इसको मनाते हैं कि अब गुरु ब्राह्मण साधु को अभी जब करना लोग कम कर दिए हैं, क्योंकि कि अब डिजिटल इंडिया चल गई है। अच्छा, क्या मानते हैं कि जैसे गुरु और शिष्य में जो है जैसे जातिवाद की भावना ये सब आता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु ही हमारा सब कुछ। गुरु का मतलब है कि अंधकार से प्रकाश में ले जाए, वही सच्चा गुरु है। क्या बात है। अभी देखिए, जैसा इन्होंने बताया, जो अंधकार से और प्रकाश की ओर ले चले,
तो वही सच्चा गुरु है। ऐसे में आप भी वैदिकाचार्य हैं और बहुत बड़े ज्ञातम्य हैं, वैसे वैसे कहता हूँ, आप क्या कहना है? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है गुरु। कहते हैं ना गुरु के बिना ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता, चाहे वो कितनी भी आधुनिकता आ जाए। एक स्टूडेंट भी हो या फिर एक टीचर्स हो, वो भी अपने आप को गुरु मानते हैं, क्योंकि वहाँ गुरु का परंपरा सदियों से चलता आ रहा है। और यहाँ तक आधुनिकता चाहे जितनी भी आ जाए, गुरु परंपरा ना कभी समाप्त हुई है ना होगी। और ऐसे में क्योंकि जैसा कि महाराज जी ने भी बताया कि बंदो गुरु पद पद्म पर आगा सूर्य सुवास सनुस अनुरागा, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी सबसे पहले गुरु की वंदना की है। क्यों? क्योंकि गुरु के बिना व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, बिना गुरु के व्यक्ति मार्ग भटक जाता है। तो गुरु का कार्य क्या है? भटके हुए व्यक्ति को अपने मार्ग पर लाना और ला करके उसको सत बुद्धि सत ज्ञान और सत मार्ग पे चलाना, जिससे उसे भगवत की प्राप्ति हो सके। तो ऐसी है गुरु की महिमा। तो गुरु की महिमा कभी कम नहीं होगी, और जितना गुरु का महिमा की बात की जाए उतना ही कम है। देखिए जी, अभी इन्होंने बताया कि जो है जिस तरह से अगर हम बात करें कि आज गुरु पर्व है, गुरु पूर्णिमा है, और ऐसे में गुरु की बात करेंगे तो गुरु और शिष्य का जो मेल है ये कभी ना खत्म हुआ है ना खत्म होगा, चाहे जितना भी आधुनिकता के दौर में लोग आ जाए, जिस तरह एंजॉय हो जाए, लेकिन गुरु और शिष्य की ये परंपरा समाप्त नहीं होने वाली है। ऐसे में रामनगरी अयोध्या का ये दिग्दर्शन महादेव मंदिर है, और यही के मंदिर से मैंने यहाँ पर जो है अभी सभी लोगों से बात किया है। मैं सुबह श्रीवास्तव टीवी बंद चैनल अयोध्या से।